आज हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक सी रेसिपी जिसका नाम है सब्जी मेला। आप इस सब्जी में कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। हाँ, करेला को छोड़कर आप मिर्च डाल दीजिए, तोरई डाल दीजिए या फिर गिलकी, गवार फली, कोई भी। आपके बच्चे या फिर बड़े को सब्जी पसंद ना हो ना, आप सब सब्जी इसमें डाल सकते हो। आपको ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैंने यहाँ पे ढेर सारी सब्जी ली है जिसमें आलू, बैंगन, गाजर, पत्ता गोभी ली है। आप तो कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हो। सारी वेजिटेबल हम प्रेशर कुक करेंगे जिसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर, हाफ कप जितना पानी, लगभग 500 ग्राम वेजिटेबल्स, दो मीडियम टमाटर, 3 बड़े प्याज, मिर्ची, यहाँ मैंने 2 तिक्की वाली हरी मिर्च ली है, धनिया और एक छोटा अदरक का टुकड़ा। इस सब्जी एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट रेडी है। अब सब्जी का तड़का लगाएंगे। तेल गर्म होते ही डालेंगे ग्रीन पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है। पेस्ट को अच्छे से पकाना है। प्याज की पेस्ट डालकर अच्छे से पकाएंगे जब तक उसमें से तेल रिलीज ना हो। ये काफ़ी हद तक पक गई है। उसमें टमाटर की पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून गुड़, 1/2 टीस्पून लहसुन लाल मिर्च की पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक, ये सब मसाले को अच्छे से मिक्स करके जब तक उसमें तेल रिलीज ना हो तब तक अच्छे से पकाएंगे। मसाला अच्छे से पक गया है। उसके बीच में इसे खड़ा करेंगे और हमने जो वेजिटेबल्स बॉयल किए हैं ना वो डालेंगे। 2 मिनट इसे ही पकने देंगे और बाद में मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आसानी से मिक्स भी हो जाएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। नीचे हल्की सी जल जाएगी, वो वाला टेस्ट अच्छा आता है। मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालेंगे, ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। एक कटोरी में 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हरा धनिया डालकर मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना तेल गर्म करने रखा है उसमें मसाले का तड़का लगाएंगे और डायरेक्ट ही सब्जी में डाल देंगे और ऊपर से ढक्कन ढक देंगे ताकि मसाला के फ्लेवर अच्छे से सब्जी में आ जाए। 1/2 टीस्पून नींबू का रस डालकर सब्जी में अच्छे से मिला लीजिए और सब्जी को सर्व कर दीजिए। आपको ये दिखने में बिल्कुल पाव भाजी जैसी लग रही है लेकिन पाव भाजी से ये थोड़ी डिफरेंट है। तो देर किस बात की, बनाकर एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।